वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, एग्जांपल हमारे पास गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में जो वाई फाइंड करते हैं, वाई वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। हम इसमें वाई सी फाइंड करेंगे और वाई पी फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, वो हमारे पास वाई के इक्वल होगा, वो होगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। अब वाई सी क्या है इसमें हमारे पास, वाई सी हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और जो वाई पी होता है हमारे पास वो होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। हम वाई सी फाइंड करेंगे, वाई पी फाइंड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वाई आएगा, वो हमारे पास होगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में हमारे पास इक्वेशन होती है, जो हमारे पास इज इक्वल टू के बाद वाली जो टर्म होती है वो हमारे पास होता है जी ऑफ एक्स। जब हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है उसमें ये होता है हमारे पास जी ऑफ एक्स। फिर हम इसको बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में होती है वो होती है जो वाई का डबल डेरिवेटिव है, ये मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसके साथ कोई कांस्टेंट कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी होगा उसे हम रिमूव कर देंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स। तो जब करेंगे तो हमारे पास जो ये टर्म अभी हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होगा तो हमारे पास ये जी ऑफ एक्स होगा। जब ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा या क्वेश्चन में ही पॉजिटिव हुआ तो हम इसको जी ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। फिर जब हम डिवाइड वगैरह कराएंगे, जब इसको रिमूव कराएंगे यहाँ पर, जब इसको इसकी जो इसकी इक्वेशन होगी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की, मस्ट बी पॉजिटिव, कोई कांस्टेंट या कोई वेरिएबल इसके साथ ना हो, तो जब हम डिवाइड कराएंगे, जब इससे भी डिवाइड कराएंगे तो वो हमारे पास फिर बाद में एफ ऑफ एक्स हो जाएगा जी एफ एक्स की जगह। अब ये जी एफ एक्स था, अब ये मस्ट भी पॉजिटिव भी है, कोई कांस्टेंट कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे ये एफ ऑफ एक्स भी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वी सॉल्व फर्स्ट वी सॉल्व होमोजेनियस इक्वेशन। इसमें सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको होमोजेनियस इक्वेशन में। होमोजेनियस इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे वाई डबल डेरिवेटिव माइनस फोर वाई डेरिवेटिव प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। हम जब सॉल्व करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन को, हम इस सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको हम अलग लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ए की पावर टू एक्स। इस तरह हम इसको अलग लिख देंगे, इसमें लिख देंगे एक्स प्लस वन ए की पावर टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें ए की पावर टू एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। हम जब सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वी सॉल्व इट्स होमोजेनियस इक्वेशन। हमारे पास गिवन है होमोजेनियस इक्वेशन, इसमें हमारे पास वाई क्या होगा, हमारे पास होता है एक्सेलरेटिंग इक्वेशन में y इज इक्वल टू e की पावर एम एक्स। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में भी हम यही यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू e की पावर एम एक्स, वाई का डेरिवेटिव m e की पावर एम एक्स, वाई का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू एम स्क्वेयर e की पावर एम एक्स। और इसमें केस वन केस टू केस थ्री सेम यूज़ होंगे। जो ये होता है हमारे पास निकालेंगे, ये हम निकालेंगे वाई सी, ये हमारे पास होंगे के इसमें जब सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेट करेंगे इसमें लेट y डबल m का स्क्वेयर e की पावर एम एक्स डबल डेरिवेटिव हम यहाँ पर पुट करेंगे इसमें एम का स्क्वेयर ई की पावर एम एक्स माइनस फोर, वाई की जगह करेंगे एम ई की पावर एम एक्स प्लस फोर, वाई की जगह ई की पावर एम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करेंगे हम सॉल्व इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, इसमें हम लिखेंगे एम का स्क्वेयर e की पावर एम एक्स माइनस फोर एम ई की पावर एम एक्स प्लस फोर ई की पावर एम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ई की पावर एम एक्स कॉमन ले लेंगे, इसमें हम लिख देंगे ई की पावर एम एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और
एम का स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस टू एम माइनस टू एम प्लस फोर, इसके फैक्टर बना लिए हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एम कॉमन लेंगे, एम माइनस टू माइनस टू एम माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें हमारे पास जो दो इक्वेशन आ रही हैं वो आ रही हैं एम माइनस टू ये दोनों, और ये जो है एम माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी एम वन और एम टू की जो वैल्यूज हमारे पास सेम आई हैं। तो अब हमारे पास एम वन और एम टू की वैल्यू आ गई है। इसमें हम जो केस यूज़ करेंगे वो एक्सिलरी के इक्वेशन की यूज़ करेंगे, इसमें सेम केस है। तो हमारे पास जो आ गया ये रियल रिपीटेड रूट्स, यानी कि रिपीट्स हो रहे हैं। तो हम इसको जब लिखेंगे ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू एक्स ई की पावर एम वन एक्स, तो ये एम वन एक्स हो या एम टू एक्स हो सेम होगा ये। तो हम इसको सॉल्व लिखेंगे इसमें हमारे पास रिपीटेड रियल रूट्स हैं वाई वन वाई इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एम वन एक्स। एम वन हमारे पास होगा टू एक्स प्लस सी टू एक्स ई की पावर टू एक्स, एक्स एक्स ई की पावर टू एक्स, यानी टू हमारे पास एम वन हो गए थे। एम वन और एम टू जब सेम आ जाए तो हमारे पास ये एक ही हो जाता है, एम वन या एम टू एक ही चीज़ है। अब हमारे पास ये जो आया वाई इज इक्वल टू ये टर्म, ये हमारे पास है वाई सी, जब हम निकालते हैं इस इक्वेशन से होमोजेनियस इक्वेशन से इसको, तो ये हमारे पास होगा वाई सी। वाई सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। इसमें हमने वाई सी निकाल दिया, वाई पी निकालना है। अब वाई पी निकालना है, ये वाई सी जो हमारे पास आया इसमें जो हमारे पास सी वन के अलावा जो टर्म होगी, सी वन के साथ जो टर्म होगी वो हमारे पास होगा वाई वन, और सी टू के साथ जो टर्म होगी वो हमारे पास होगा वाई टू। वाई वन इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स, वाई टू इज इक्वल टू सी टू के साथ जो टर्म होगी एक्स ई की पावर टू एक्स। ये हम आगे इसको यूज़ करेंगे। अब हमें निकालना है वाई पी, जो वाई पी होता है हमारे पास वो हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। इसको हम फाइंड कैसे करते हैं? सबसे पहले ये हमारे पास असल में जो वाई पी है ये इक्वल होता है वी वन वाई वन प्लस वी टू वाई टू। इसमें हमारे पास वाई वन और वाई टू तो मिल गए, हमने निकालना है वी वन और वी टू। हम निकालेंगे वी वन वी टू, सबसे पहले इसमें फाइंड करेंगे रोन्सकीन। इसमें नाउ फाइंड रोन्सकीन फाइंड करेंगे, रोन्सकीन हमारे पास होता है क्या, डब्ल्यू वाई वन वाई टू इज इक्वल टू, हम रोन्सकीन निकालते हैं हमारे पास इज इक्वल टू होता है वाई वन वाई टू डेरिवेटिव ऑफ वाई वन डेरिवेटिव ऑफ वाई टू, डब्ल्यू की इक्वल होता है हमारे पास ये। हम निकालेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई वन हमारे पास है ई की पावर टू एक्स, वाई टू हमारे पास है एक्स ई की पावर टू एक्स। वाई वन जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई की पावर टू एक्स डॉट टू, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट यूज होगा, दोनों वेरिएबल आ रहे हैं तो इसमें हमारे पास आएगा, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो टू एक्स का ई की पावर टू एक्स, जब इसके डेरिवेटिव इसको लिखेंगे एक्स एज इट इज होगा, इसमें डेरिवेटिव लेंगे प्लस एक्स का वन हो जाएगा ई की पावर टू एक्स। ये हमारे पास आ गया डब्ल्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे इसमें सॉल्व। माइनस एक्स ए की पावर टू एक्स
टू ए की पावर टू एक्स, या हम इसको सॉल्व करेंगे, टू एक्स ई की पावर फोर एक्स प्लस ई की पावर फोर एक्स माइनस टू एक्स ई की पावर फोर एक्स, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू ई की पावर फोर एक्स, जो हमने न्यूट्रॉन्स के निकाला हमारे पास है डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर एक्स। ये हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं डब्ल्यू, ये हम वी वन और वी टू जब फाइंड करेंगे तो उसमें ये यूज़ होगा। ये हमने निकाला डब्ल्यू, अब हम निकालेंगे डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू। अब डब्ल्यू वन हमारे पास होता है ज़ीरो और एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एज इट इज़ जो डब्ल्यू में होगा हमारे पास वाई टू, वाई टू का डेरिवेटिव। ये हम वन निकाल रहे हैं इसलिए हम ज़ीरो और एफ ऑफ एक्स इसमें लिखेंगे, अगर टू निकालेंगे तो ज़ीरो और एफ ऑफ एक्स हम इसमें लिखेंगे। तो जो हमने फाइंड किया था इसमें, ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, इसमें एक्स प्लस वन ई की पावर टू एक्स, तो हम इसकी जगह ये लिखेंगे जो ये हमारे पास है। ये हमारे पास हो गया एक्स प्लस वन ई की पावर टू एक्स, वाई टू हमारे पास क्या है इसमें एक्स ई की पावर टू एक्स, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बस ही लिख देते हैं वाई टू डेरिवेटिव। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी ये हो जाएगा ज़ीरो माइनस, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ई की पावर टू एक्स ई की पावर फोर एक्स हो जाएगा एक्स एक्स प्लस वन। ये हमारे पास आ गया डब्ल्यू वन, यानी डब्ल्यू वन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स ई की पावर फोर एक्स एक्स प्लस वन। अब फाइंड करेंगे डब्ल्यू टू, वो हमारे पास क्या होगा, अब वाई टू यहाँ पर आ जाएगा वाई वन डेरिवेटिव ऑफ वाई वन ज़ीरो एफ ऑफ एक्स, इस तरह आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे वाई वन हमारे पास क्या है इसमें ई की पावर टू एक्स, डेरिवेटिव लेंगे तो टू ई की पावर टू एक्स ज़ीरो एफ ऑफ एक्स हमारे पास जिसमें लिखे हैं हमने एक्स प्लस वन इसको सॉल्व करेंगे तो ई की पावर फोर एक्स एक्स प्लस वन। डब्ल्यू टू हमारे पास आ गया ई की पावर फोर एक्स एक्स प्लस वन। हमने डब्ल्यू भी निकाल लिया, डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू भी निकाल लिया। अब हमें फाइंड करना है वी वन और वी टू, वाई वन और वाई टू हमें पता है, वाई पी फाइंड करने के लिए वी वन और वी टू किस तरह फाइंड, हमने रोन्सकी निकाल दी है, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू भी निकाल लिया। अब हमने फाइंड करना है वाई पी, तो वाई पी फाइंड करना हमारे पास होता है वी वन और वी टू। अब हमारे पास जो होगा ये जो वी वन और वी टू हमारे पास होता है, नाउ जो वी वन का डेरिवेटिव है वो हमारे पास इक्वल होगा डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू, और जो वी टू होगा हमारे पास डेरिवेटिव वो होगा डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। ये हमारे पास रोन्सकियन है, ये हमारे पास डेरिवेटिव हो। तो अब हम इसको ख़त्म करने के लिए, हमारे पास डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए हम लेंगे टेकिंग इंटेग्रल। तो हमारे पास डब्ल्यू वन क्या था, ये वाली हमारे पास डब्ल्यू वन की है, ये डब्ल्यू की है, ये हम पहले इसमें लिखेंगे वी वन डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू वन माइनस एक्स ई की पावर फोर एक्स एक्स प्लस वन। डिवाइडेड बाई ई की पावर फोर एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे, वी वन इज इक्वल टू माइनस एक्स एक्स प्लस वन। अब हम इसका लेंगे टेकिंग इंटेग्रल बोथ साइड, ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, वी वन आ जाएगा, वी वन इज इक्वल टू जो सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटेग्रल लेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ये हमारे पास आ जाएगा वी वन। इस तरह वी टू फाइंड करेंगे, वी टू
डैश इज इक्वल टू हमारे पास डब्ल्यू टू आया ई की पावर फोर एक्स एक्स प्लस वन, ए की पावर फोर एक्स एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय ए की पावर फोर एक्स डब्ल्यू, ये कैंसिल हो जाएगा एक्स प्लस वन टेकिंग इंटीग्रल, ये हमारे पास आ जाएगा वी टू, इसका इंटीग्रल लेंगे तो एक्स को स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस एक्स, ये हमारे पास आ गया वी टू। अब वाई पी हमारे पास था वी वन वाई वन प्लस वी टू वाई टू, वी वन वाई वन हम इसमें लिखेंगे वाई पी इज इक्वल टू वी वन हमारे पास है माइनस एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ये हमारे पास आ गया वी वन। अब वाई वन हमारे पास ए की पावर टू एक्स, प्लस वी टू हमारे पास है एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस एक्स, और जो हमारे पास वाई टू है एक्स ए की पावर टू एक्स पावर टू एक्स, ये हमारे पास आ गया वाई पी। सो जो हम वाई लिखते हैं वाई इज इक्वल टू वाई पी प्लस वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन, जब हम इसको कंबाइन में लिखेंगे तो वाई इज इक्वल टू वाई पी भी लिखेंगे सबसे पहले ये सारा, प्लस अब हम लिखेंगे वाई सी, वाई सी हमारे पास है सी वन ई की पावर टू एक्स प्लस सी टू एक्स ई की पावर टू एक्स, सी वन ई की पावर टू एक्स प्लस सी टू एक्स ई की पावर टू एक्स, ये हमने वाई फाइंड कर लिया वाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स।